सीता राम जी को ये कहना चाहिए कि एसआई भर्ती पे आप क्या निर्णय ले रहे हो, क्योंकि एसआई भर्ती पे एक काम होने वाला है, या तो बाबा किरोड़ी जीतेगा या मुख्यमंत्री भजनलाल जीतेगा, दोनों साथ नहीं जीतेंगे मैं आपको बता दूं। तो राजस्थान का बड़ा नेता बीजेपी में कौन है ये तय होना है, उसके बाद में फिर ये प्रक्रियाएं चलेंगी, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान की विधानसभा में एक क्वेश्चन लगा था कि पेपर लीक का, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस पिछले 5 साल से ज़्यादा पेपर आउट हुए थे, एक बात क्लियर है, किसी के कोई शंका हो तो मेरे से डिटेल ले लेना, विधानसभा की वेबसाइट पे प्रश्न के ऊपर पड़ा है। दूसरी बात, ये जो पेपर लीक हुए उसके ऊपर पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हमने की, आधे से ज़्यादा 100-150 से ज़्यादा पेपर माफियाओं को, नकल माफियाओं को पकड़ा, इस प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन केवल यही है कहते कहते कि हम इस प्रक्रिया में 5 साल निकालोगे क्या आप, ये तो सतत प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए 2 साल बाद में भी पता लग गया कि कोई व्यक्ति पेपर लीक के माध्यम से माफिया से पैसे देकर के नौकरी लगा है तो उसको 2 साल बाद में भी निकालो, लेकिन 2 साल तक यही काम करते रहोगे, दूसरी भर्तियां कितनी निकाल रहे हो वो बताओ आप। आप देखिए, अगर किसी संस्था की क्रेडिबिलिटी इतनी आप खराब कर दोगे तो उसके बाद में न तो वहाँ कोई आरपीएससी का चेयरमैन बनने को तैयार नहीं है इनके पास में, आरपीएससी के मेंबर सारे के सारे जो है ना वो कुंठित हैं कि हम कहाँ आ गए, हमको सबको तो बेईमान घोषित कर दिया। मैं कहता हूँ बेईमानों को पकड़ो लेकिन सबको बेईमान मत बनाओ, आपके पास में कोई हथियार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पूरी की पूरी आरपीएससी में चपड़ासी से लेकर के चेयरमैन तक सब बेईमान है और कर्मचारी चयन आयोग में बेईमान है, तो फिर क्या भजनलाल जी परीक्षा कराएंगे क्या, या किरोड़ी लाल जी कराएंगे, सबसे ज़्यादा चीन के साहूकार हैं वो कराएंगे क्या परीक्षा, परीक्षा तो ये संस्थाएँ कराएंगी। और आप इतने ही ज़ोरदार हो तो आप क्यों नहीं आरपीएससी का चेयरमैन ऐसा बना करके और जो मेंबर खाली पड़े उनको एक नई जो आप सोच के साथ में और नई एक लोगों को नियुक्ति कीजिए कि ये देखो ये बेईमान लोग नहीं होंगे और ये कभी ज़िंदगी में बेईमानी नहीं करेंगे, इन लोगों को हमने लगाया, इन्होंने एक संभागीय आयुक्त लगाया और 4 दिन बाद में उसके छापा भटका दिया, तो फिर लगाया क्यों, जब 5 महीने से उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी तो उसको लगाया क्यों। मैं नहीं कहता सही है गलत है, वो क्या है क्या नहीं है वो तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनको पता ही नहीं है, इसलिए पहले तो ये तय होना चाहिए कि ये सरकार चला कौन रहा है, चल कहाँ से रही है, क्या है जिले, मैंने कहा था ना मैं चैलेंज करता हूँ इनका, एक भी जिला चेंज नहीं कर पाएंगे, इनके लिए जनगणना रुकेगी क्या, पूरा देश रुक जाएगा क्या है, ये तो चाहे जो कहते थे इनको टाइम पास करना है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रही, 10 महीने गए तुम्हारे काका, 10 महीने चले गए, टाइम पास तो महीने 2 महीने का होता है भाई साहब, सारे ही दिन आप टाइम पास के लिए पिछली सरकार को पूरा कोसो, कोई बुराई नहीं है, आपके पास जो भी है संसाधन है, सरकार है, पुलिस है, जो गलती कर रहा है उसको आप पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कह कह के हम ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हमने आज 2 पकड़ लिए, हमने आज 1 पकड़ लिया, इससे किसी के पेट में निवाला थोड़ी गया, नए बच्चे को नौकरी थोड़ी मिल गई, गरीब का इलाज थोड़ी फ्री में हो गया, पानी थोड़ी मिल गया, केवल एक स्टंट लेकर के और आप अपना टाइम पास कर रहे हो। इसलिए मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि दिल्ली के अप डाउन कम करो, और मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा बढ़ा लो और वहीं रह जाओ, 10-5 दिन ये किरोड़ी वाला फैसला करा के लाओ आप, वरना आपकी सरकार नहीं चल पाएगी, पता नहीं चलेगा ये किधर से चल रही है और कौन चला रहा है।